हरे कृष्ण, आप सभी का स्वागत है फिलोसॉफी कैन सीरीज में। मैं हूं श्री चैतन्य चंद्र दास। ये था 26 दिसंबर 2004। इंडोनेशिया के नजदीक ही कुछ गोताखोर जो डाइवर्स होते हैं वो एक नाव में जाते हैं डीप ओशन में, और उधर उनका कुछ रिसर्च चल रहा रहता है। 5-10 ऐसे गोताखोर डाइवर्स होते हैं, वो बोट में जाके वो उधर रिसर्च कर रहे थे। वो अंदर जा रहे थे समंदर के अंदर, उन्होंने जंप किया और अंदर उनका पूरा डाइविंग गियर के साथ वो अंदर गए थे समंदर के अंदर। सुबह के 8 बजे थे 26 दिसंबर 2004। तो उन्होंने देखा, जब वो अंदर जा रहे थे तो उन्होंने आश्चर्यजनक ऐसी बात दिखाई दी कि वो जब अंदर जाने का प्रयत्न कर रहे थे, डीप ओशन में जाने का प्रयत्न कर रहे थे, तो कुछ तो ऐसा एक फोर्स था उसके वजह से वो ऊपर आ रहे थे, अंदर नहीं जा रहे थे। अंदर जाने का प्रयत्न कर रहे थे, फिर से ऊपर आ रहे थे। अंदर जाने का प्रयत्न कर रहे थे, फिर से ऊपर आ रहे थे। तो वो उन्होंने सोचा, ये क्या है, कभी ऐसा हमने फिनोमेना देखा नहीं है। तो वो अंदर जाने का प्रयत्न कर रहे थे लेकिन वो ऊपर आ रहे थे। तो ऐसा कुछ देर चला, फिर बाद में फिर वो उन्होंने उनका रिसर्च वगैरह किया और फिर कई समय के बाद वो बाहर आ गए, अपने बोट पे आ गए। और ये जो गोताखोर थे उन्होंने डिस्कस किया ऐसा क्यों हो रहा था, उनको समझ में नहीं आ रहा था ऐसा क्या हुआ आज। तो फिर बाद में वो बोट लेके फिर से इंडोनेशिया पे आ गए, कोस्ट पे आ गए। और जब उन्होंने देखा कि क्या हो गया इंडोनेशिया में पूरे, तो उन्होंने देखा कि ये बड़ा सुनामी आया था और उस सुनामी के वजह से पूरा इंडोनेशिया, इतना बड़ा देश, इतना तहलका मच गया उधर। तो जो वेव आई थी उसके वजह से सुनामी आया, अर्थक्वेक जो 9.1 रिक्टर स्केल पे था, और सबसे बड़ा सुनामी जो हुआ जिसमें 3 लाख लोग मारे गए 2004 में, दिसंबर 26, 2004 में 3 लाख लोग मारे गए। और उसके जो वेव्स थे वो 30 फीट हाई ऐसे, यानी सोचिए 10 मीटर के वेव्स थे। और उसके वजह से कई सारे देशों में ये सुनामी गया और उसके वजह से कई सारा नुकसान हो गया और 3 लाख लोग मारे गए। सोचिए इंडियन ओशन में ये सुनामी आया था। देखिए, जो गोताखोर जो थे वो समंदर के अंदर थे, समंदर के अंदर जाने का प्रयत्न कर रहे थे, और जो सुनामी था उनके पास से चला गया। वो गोताखोर जो 10 गोताखोर थे वो बच गए, लेकिन बाकी के जो लोग थे, इतने सारे लोग, 3 लाख लोग मारे गए। तो इससे हमें ये पता चलता है कि नेचर किल्स इन मास बट नॉट ब्लाइंडली। तो प्रकृति जो है, कर्म के जो नियम है, उसके वजह से कई सारे लोग मारे जाते हैं, लेकिन ऐसे अंधाधुंध मारे नहीं जाते। वो एक्यूरेट, जिसको मरना है, जिसका कर्म है वही मारे जाते हैं, जिसका कर्म है जो नहीं मरना चाहते वो नहीं मरते। तो कर्म जो है, कर्म का जो नियम है बहुत स्ट्रिंजेंट होते थे। लॉज ऑफ नेचर आर वेरी स्ट्रिंजेंट। सो मटेरियल नेचर किल्स इन मास बट नॉट ब्लाइंडली। तो कर्म से कोई बच नहीं सकता, जिसको मरना है वही मरेगा और जो बचना है वही बचेगा। वो हम इस 2004 के सुनामी से सीखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।